केंद्रीय समिति के महासचिव हैं श्री गणेश प्रणाम हमारे उपाध्यक्ष हैं श्री कोलवाराम केंद्रीय समिति के सुरक्षक बांका जी और उपाध्यक्ष हमारे समस्त केंद्रीय समिति के सदस्यगण एवं परिषद के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित कोरबा जिले के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषा के समस्त पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित संघातीय बंधु और माताओं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको यहाँ संगठित होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं कोरबा जिले के कार्यक्रम आयोजक और समस्त नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। कोरबा जिला एक ऐसा जिला है जो कि हमारे इंडिया में भी फेमस है। कोरबा जिला को मेरे हिसाब से विदेशों की तरह बढ़ रहा हूँ। अभी आगामी में हमारे संचालक महोदय श्री उदित कैबर जी बोल रहे हैं कि कोरबा जिला शिक्षित जिला है और जितनी भी कोरबा जिले के बारे में दायर करूँ कम है। आज यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि भी उपस्थित है और अभी मुझे मालूम हुआ कि जो हमारे जनपद के सीओ साहब नाम तो नहीं जाता फिर भी हमारा आदरणीय है, मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे जनपद के सदस्य और त्रिस्तरीय पंचायत में चुने हुए जिला के अध्यक्ष वहाँ सरपंच और जनप्रतिनिधि जितने भी समस्त अधिकारी कर्मचारी हैं, मैं दिल से आपको केंद्रीय समिति की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम दो बजे का था लेकिन हम सबकी कमी की वजह से कार्यक्रम में लेट हुआ। आप लोग मैं अपने एक मिनट समय लूंगा जब ले लूंगा। हमारे समाज को आगे ले जाना है तो हमको संगठित होना जरूरी है, चाहे जिला स्तर में हो चाहे गाँव स्तर में हो चाहे पंचायत स्तर में हो। अभी हमारे प्रदेश में नवनिर्वाचित जो पदाधिकारी हैं वो किसी कारणवश हम सब के बीच में नहीं आ सके। मैं हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को निवेदन करूंगा कि हमारा जो केंद्रीय समिति है, हमारे पूर्वजों ने जो केंद्र बना दिया है इसको भी जिस हिसाब से चुनाव हुआ है प्रदेश स्तर में होगा तो हम लोग को बहुत ही बड़ी सुविधा और हमारे समाज की ताकत दिखेगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे केंद्रीय समिति को भी प्रदेश से जोड़ा जाए और समाज की गरिमा को ध्यान रखते हुए विशेष रूप से यहाँ पर दस मैं अपने बारे में यही ध्यान देना चाहता हूँ। बोलो भारत माता की, कौन सा भगवान की, भक्त जान साधु की। धन्यवाद।